गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइम फॉर क्लास सेकेंड, भाषा कोटेड मीन्स हिंदी फर्स्ट. ओके, आई होप यू जस्ट यू हैव डन योर फर्स्ट चैप्टर विथ क्वेश्चन आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको हमने ऑलरेडी ये पीछे के चैप्टर्स में कराया है, फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी आपको फिनिश अप कराया है. एंड अगर आपका रह गया है तो जितनी भी बैक वीडियोज़ हैं आप उनको चेक करिए, आपको पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा. ठीक है, नाउ चैप्टर टू. द नेम इज़ बातूनी तोता. यू नो दैट ना, पैरट्स जो होते हैं, तोते बहुत ही बातूनी होते हैं. अगर आपका पेट है कोई पैरट, अगर आपने घर में पैरट है कोई आपका पालतू मतलब, तो आप कभी जैसा बोलोगे वो आपको वैसे ही रिपीट करेगा. उसको भूख लगी होगी तो वो बार बार बोलेगा. अगर आप उसको लर्न करा दो तोते को भूख लगी तो बार बार बोलेगा तोते को भूख लगी, तोते को भूख लगी. ठीक है, तो वैसे ही एक हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं सेकेंड. द नेम इज़ बातूनी तोता. स्टूडेंट जस्ट मेंशन द डेट 11/5/2020. ये बुक में आपको मेंशन होना चाहिए, इट्स कंपल्सरी फॉर यू. इज दैट क्लियर? सो नाउ, जंगल में एक तोता था. हम एक राइम्स की तरह इसको पढ़ेंगे ताकि हमें इसको अच्छे से लर्न हो जाए. जंगल में एक तोता था, उसका नाम बकबक था. उसका नाम क्या था? बकबक. जंगल में क्या था? एक तोता था, उसका नाम बकबक था. तोता बहुत बोलता था. यू नो दैट जो पैरट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना. तो तोता बहुत बोलता था, हर समय बस अपनी तारीफ, झूठी गप्पे. सब जानवर उसकी आदत से परेशान रहते थे. वो हर समय क्या करता था? बस अपनी तारीफ करता रहता था और झूठी गप्पे मतलब खूब अपनी बड़ी बड़ी बातें मारता था. जैसे कि मैंने शेर को देखा, शेर जब शेर मुझे खाने आ रहा था तो मैंने शेर को एक पंच मारा और शेर भाग गया मुझसे डर के. तो ये क्या हो गया? झूठी गप्पे मारना. ठीक है, वैसे ही सब जानवर उसकी आदत से बहुत परेशान थे. ठीक है, नेक्स्ट. बरसात के दिन थे. एक दिन घने काले बादलों से आसमान ढक गया. आज यू नो दैट कल मैंने चेक किया था, इवनिंग में बहुत घने बादल थे, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स थे और बहुत ज़्यादा स्टॉर्म जो थी तूफान सा आ रहा था. तो सेम एज इट इज़, बरसात के दिन थे. एक दिन घने काले बादलों से आसमान ढक गया, ठंडी ठंडी हवा चली और बारिश की बूंदें पहले टप 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 गिरी, फिर झमाझम बारिश होने लगी. अच्छा, कल आई होप बहुत से ऐसे एरियाज थे जहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई होगी. यहाँ बांदा में तो बहुत तेज़ हुई थी, आपके वहाँ पे हुई थी तो हमको बताइएगा ज़रूर. ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं. बरसात के दिन थे. एक दिन घने काले बादलों से आसमान ढक गया, ठंडी ठंडी हवा चली और बारिश की बूंदें पहले टप 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 गिरी, फिर झमाझम बारिश होने लगी. स्टूडेंट, जैसे हम रीड करा रहे हैं एज इट इज़, आपको उसको ऐसे ही रीड करना है. ठीक है, रीडिंग इज़ अ मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. इज़ दैट क्लियर? अगेन हम रिपीट करते हैं. ठीक है, जंगल में एक तोता था, उसका नाम बकबक था. तोता बहुत बोलता था, हर समय बस अपनी तारीफ, झूठे गप्पे. सब जानवर उसकी आदत से परेशान रहते थे. बरसात के दिन थे. एक दिन घने काले बादलों से आसमान ढक गया, ठंडी ठंडी हवा चली और बारिश की बूंदें पहले टप 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 गिरी, फिर झमाझम बारिश होने लगी. कैसे? बहुत ज़्यादा हैवी रेन होने लगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, पेज नंबर 11. यू कैन सी द पिक्चर, मच मोर एनिमल्स इन दिस पिक्चर्स. फर्स्ट इज अ पैरट, ज़ेब्रा, एलिफेंट, फॉक्स, इन दिस साइड लॉयन, क्रो, कौआ. क्रो दिख रहा है ना आपको? दिन बीता, रात हुई. दिन जो है वो बीत गया और रात हुई. फिर दिन निकला लेकिन बारिश ना रुकी. फिर दिन निकला लेकिन बारिश ना रुकी.
जंगल के सब जानवर परेशान, बिकॉज जो एनिमल्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, उनको शेड नहीं होता, वो कैसे रहते हैं, कुछ डेन में रहते हैं, कुछ ट्रीज में रहते हैं, कुछ अंडर द ट्री रहते हैं, कुछ क्या होते हैं बरो जैसा बना के, जो मिट्टी के अंदर होता है ना उसको बरो कहते हैं, वो बना के रहते हैं, जिसको बिल कहते हैं मिट्टी के अंदर। अब बारिश होगी तो डेफिनेटली वहाँ पानी भरेगा, पेड़ के नीचे कोई खड़ा रहेगा तो डेफिनेटली भीगेगा, ठीक है ना। और जो है वो डेन होता है, गुफा, ऐसे देखिए ऑनलाइन के पीछे देखिए डेन बनी हुई है ना गुफा, जो गुफा होती है उसमें बहुत ही डेंजरस एनिमल होते हैं, तो इसलिए हर एनिमल उसमें नहीं जा सकता, क्या पता किसी लॉयन का या टाइगर का वो फूड बन जाए, ठीक है। जंगल में सब जानवर परेशान, जंगल के सब जानवर परेशान, चारों तरफ पानी ही पानी, खाने की तलाश में भी ना निकल पाए। अब बारिश तेज होगी तो डेफिनेटली एनिमल्स जो है वो खाने के लिए नहीं निकल पाएंगे तलाश में। बक बक भी भूखा था, बक बक कौन था, बातूनी तोता था, तो बक बक भी भूखा था, बारिश में उड़कर खाना ढूंढने जाता तो उसके पंख भीग जाते। अगर कोई भी एनिमल होता है जो फ्लाइंग एनिमल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फीथर्ड एनिमल, जो उड़ने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, फीथर्ड एनिमल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल, हमारी ज़मीन पे थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज अ लैंड एनिमल, जैसे एलिफेंट, लॉयन, डॉग, जो लैंड में वॉक करते हैं, चलते हैं, ठीक है। सेकेंड वाटर एनिमल, जैसे फिश हो गई, वेल हो गई, डॉल्फिन हो गई। थर्ड इज अ फीथर्ड एनिमल, जिनके पंख होते हैं जो हवा में उड़ सकते हैं, उनको कहते हैं फीथर्ड एनिमल, ठीक है। और बारिश में उड़कर खाना ढूंढने जाता तो उसके पंख भीग जाते, जो फीथर्ड एनिमल होते हैं उनके विंग्स होते हैं ना पंख, तो उनके पंख भीग जाते, ठीक है। भूख से उसका दम निकला जा रहा था, अब जब उसको खाने नहीं जा पा रहा था, भूख लग रही थी, तो जब आपको भूख लगती है तो क्या लगता है, ऐसा नहीं लगता कि पेट में खूब बड़े बड़े हाथी कूद रहे हो चूहों की जगह, तो वैसे ही भूख से उसका दम निकला जा रहा था। जंगल के राजा शेरू ने उस अपनी गुफा में कुछ खाना जमा कर रखा था। जंगल का राजा शेरू, शेरू इज अ, ये टाइगर है कि लॉयन है, ये टाइगर है कि लॉयन है, फिर से अब हम कंफ्यूज कर रहे हैं, फिर से ये टाइगर है, नो इट्स अ लॉयन, क्योंकि देखिए लॉयन के हेयर होते हैं ना ऐसे, और टाइगर के ब्लैक स्ट्रैप होते हैं बॉडी में, बट इसके देयर इज नो स्ट्रैप ना, ब्लैक कोई ऐसी लाइंस दिख रही है आपको, स्ट्रैप्स नहीं ना, तो ये कौन है, लॉयन है, ठीक है। और लॉयन का नेम क्या था, एंड लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल, जंगल का राजा होता है ना शेर, तो इसका नाम क्या था, शेरू। आप बताओ जंगल के राजा का क्या नाम था, जंगल के राजा का नाम शेरू था, ठीक है। ने अपनी गुफा में कुछ खाना जमा कर रखा था, चावल के दाने, सूखा मांस, बादाम, काजू और थोड़े फल भी, वाओ बहुत अच्छा रखा था इसने तो, चावल के दाने, ठीक है, सूखा मांस, ड्राई मीट, बादाम, काजू, बादाम को कहते हैं आलमंड, काजू क्या कहते हैं, कैशियो नट, और थोड़े फल एंड सम फ्रूट्स, और उसने कुछ फल रखे हुए थे, ठीक है। स्टूडेंट्स आज जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है, आई नो दैट यू आर इन सेकेंड क्लास एंड इट्स कंपलसरी टू रीड दिस चैप्टर, ओके। जहाँ तक मैंने आपको कराया है आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है एंड अच्छे से करना है, क्योंकि जब आपके स्कूल ओपन होंगे तब उसके बाद हम आपका ये सारी रीडिंग हम आपसे कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, और आज की क्लास हम ऑफ करते हैं, उसके बाद जब हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ये देखिए बैक साइड का है, तब हम इसके आगे के पोर्शंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी सा आ गया। जंगल का राजा कौन था, शेरू था ना, जंगल का राजा शेर था जिसका नाम शेरू था, ठीक है, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे, और घर में रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना।